हेलो एवरीवन, वेलकम टू शीज डायरी 2020। और कल हम गए थे बेबी हब पे, जहाँ पे हमने छोटी बेटी के लिए कुछ टॉयज खरीदे थे। तो सोचा मैं आपको रिव्यू दे दूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हमें सेकंड बेबी हुई है और शीज बड़ा भाई है। तो शॉपिंग के तौर पे हमने थोड़े से सॉफ्ट टॉयज खरीदे थे। तो जो टॉयज हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आप जैसे ये देखिए, बेबी एलिफेंट है और इसका जो प्राइस है 645 है। बट क्वालिटी बेबी हब के प्रोडक्ट की मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया था, ये बहुत ही अच्छी है। और हंसले होता है, हंसले से मैंने ये लिया था, बट इसकी जो क्वालिटी है वो इससे बेटर नहीं है। ये बेबी हब का ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, प्राइस भी मुझे बेटर लगा वो प्रोडक्ट से। ये एलिफेंट लिया था और ये बनाना लिया था पिल्लो, क्योंकि शीश को येलो कलर का पिल्लो बहुत पसंद है, तो उसी कलर में ये बनाना शेप का ये पिलो लिया था। और इसका जो प्राइस है वो है 795 का। बट मतलब आप अगर इसको लेंगे, आपको बाय करेंगे, तो जो क्वालिटी है वो A1 है, सॉफ्टनेस में भी। और जो रूमें आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा रूमें, वो भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन एंड सॉफ्ट है। सेकेंड हमारा जो थर्ड था, सबसे मेरा फेवरेट है ये पेंगुइन। ये पेंगुइन लिया था मैंने, और ये भी कितना प्यारा है ना। बच्चे हों और उनके साथ ये प्यारे प्यारे टॉयज ना हो तो मज़ा नहीं आता है ना। अभी देखो इसका जो रेट है 895 का है, बट क्वालिटी फिर से मैं कहूँगी कि A1 है। कितना क्यूट है ना, ये हमने अपनी बेटी के लिए लिया है। ये थर्ड है आपका सरप्राइज टॉर्टॉइज। ये टॉर्टॉइज है, देखो काफ़ी क्यूट है, दिख रहा है ना। ये टॉर्टॉइज लिया था और इसका जो रेट है, इसका रेट है 695 का। बट ओवरऑल ये जितने भी टॉयज़ हैं ना, इनकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा। बेबी हग में फ़र्स्ट टाइम मैंने गूगल पे सर्च किया था बच्चों के लिए सॉफ्ट टॉयज़ कहाँ से ले, तो फर्स्ट क्राई के मिले मुझे ऑप्शंस। और बेबी हग का, बेबी हग के अब हम इसलिए गए क्योंकि वो हमारे नियर अबाउट था, और फर्स्ट विजिट में हमने एक चीज़ और ली थी, ये सारे टॉयज़ लिए। और एक स्विंग पालना लिया था अपनी बेटी के लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसा है। काफ़ी अच्छा है, रेट थोड़ा कॉस्टली है, 7000 का पड़ा, बट क्वालिटी A1 है और बहुत ही अच्छा है। अब भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये पालना लिया था मैंने अपनी बेटी के लिए। देखिए मेरी बेटी नीर सो रही है इसमें, अभी सिर्फ ये 10 दिन की है। और ये भी हमने बेबी हक से लिया था। इसको पकड़ के आप इस तरीके से बैठ के ऐसे हिला भी सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो पीस है वो 7000 समथिंग का है। नीचे ये सामान रखने के लिए स्पेस दे रखा है यहाँ पर। और ये इसका जो साइड का डिज़ाइन है, आप ये देख सकते हैं, ये इधर क्वालिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है, थोड़ा कॉस्ट है बट क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये सिर्फ स्मूथ हिलता है, मतलब सर्कल, हाफ सर्कल में नहीं होता। और क्या होता है कि जब वो ऊपर दाएं बाएं सर्कल में घूमता है तो बच्चा पलटने की भी टेंशन रहती है, बट ये स्ट्रेट स्विंग करता है, जो बहुत ही सही लगा मुझे। एक इलेक्ट्रिकल भी था जिसमें सॉन्ग्स बजते हैं, वो खुद ही ऑटोमेटिकली स्विंग होता रहता था, बट उससे ज़्यादा मुझे ये ठीक लगा। और इसमें व्हील्स भी हैं, आप चाहे कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें बेबी हक से ली थी अपनी बेटी के लिए। तो इसके जो प्रोडक्ट हैं मुझे तो बहुत पसंद आए, आप भी विज़िट करें। थोड़े से आपको लगेंगे कॉस्टली है, बट अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो कॉस्ट तो देखी जाती है, ठीक है। तो आप भी विज़िट करके देखिए। बाय बाय।